पहले भी आप लोग मांडवा में भी धरना प्रदर्शन किया था, कई मीटिंगें भी होती है, लेकिन मेरा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमने भी खूब लड़ाई लड़ी है, इस डैमो के लिए भी लड़ी है, सड़कों के लिए लड़ी है, बिजली के लिए लड़ी है, तो वैसे कोई ज्ञापन देने से कि कागज देने से तो ये कोई काम होता भी नहीं है, रुकता भी नहीं। जब तक अपन ठान के नहीं बैठेंगे, जब तक सरकारों को नहीं झुकाएंगे, तब तक अपना कोई काम नहीं होगा। सरपंच साहब देवीलाल जी, ये एक मजबूती रखनी पड़ेगी अपने को, सरकार चाहे कोई भी हो, दिल्ली में सरकार कौन सी है, राज्य में कौन सी है, लेकिन सरकारों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ रहा तो अपने यहाँ धरातल पे पड़ रहा है। आज जरूरी नहीं किसी पार्टी वाले जा, विशेष पार्टी वाले जा रहे हैं, तो पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ के राजनीतिक से ऊपर उठ के अगर अपन सब मिलके समाज हित में अगर इस तरह से धरना प्रदर्शन अगर जारी रखेंगे, जब तक सरकार नहीं मांग मानती है, तब तक अपनों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप समझ रहे हो कि इधर कांग्रेस सरकार ने डैम स्वीकृत कर दिया, और आप लोगों को पता भी होगा कि ये सर्वे भी, अभी सरपंच साहब बता रहे सर्वे कब हुई थी, सर्वे बीजेपी सरकार में हुई थी और कांग्रेस सरकार ने ये बजट पास किया। तो आप लोगों को ठानना है कि अपन को मजबूती से लड़ाई लड़नी है, जब जाके अपना काम होगा, और जरूरत पड़ी हजारों की तादाद में अपन पूरा आदिवासी बेल्ट है अपना, अपने जब भी चाहे जब अपन तहसील पे क्या बड़ा बड़ा धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इतने में सरकार से भी निवेदन है कि सरकार इनसे पहले ही पहले बात अगर निरस्त करती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आदिवासियों को मजबूरन में अपने को इस तरह से धरना प्रदर्शन करने के लिए सरकारी मजबूर करेगी अपने को।